हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 10th साइंस एंड मैथमेटिक्स का, उसका आज एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं और जो टॉपिक्स हटे हैं कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और जो आपका सिलेबस जो कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, ठीक है ना। इसी के बारे में एक ओवरऑल एक हम एनालाइज करने वाले, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, जरूर देखना वीडियो को, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक ना। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस से। जो आपका यूपी बोर्ड का साइंस का सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। बोर्ड का कहना है कि हमने 30% सिलेबस कम किया है, तो बाकी में उन्होंने 30% का सिलेबस कम किया है नहीं किया है वो देखते हैं। तो पहला चैप्टर आपका धातु एंड अधातु में से आपके टॉपिक्स हटे हैं, धातु व अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुणधर्म। जो टॉपिक्स हटे हैं बेकार टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है। तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें है तत्व के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डावे, राइनर के त्रिक एंड न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो जिसमें से कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा टॉपिक हटाया तत्व के आवर्ती वर्गीकरण में से। नेक्स्ट है जंतु एंड पौधे के नियंत्रण एवं समन्वय, पौधे में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशीय और अनैच्छिक पेशीय, प्रतिवर्ती क्रियाएं एंड रासायनिक समन्वय, जंतु में हार्मोन्स। थोड़े से टॉपिक्स इसमें से हटे हैं, ज़्यादा हम कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में से बायोगैस हटा है, हम कह सकते हैं कि बायोगैस जो है एक अच्छा खासा टॉपिक था छोटा मोटा जो कि बोर्ड ने हटाया है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण में से परितंत्र, ओजोन परत का अवक्षयन, ये हटाया, चलो कोई नहीं, सही है। आवर्तन में से इन्होंने हटाया आवर्तन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का परिकरण और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। देखिए यहाँ से ये जो टॉपिक हटे, ये हम ये कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता है ये एक अच्छा टॉपिक था जो कि इन्होंने हटाया। बाकी जो टॉपिक्स हटाए हैं इसमें उतना ज़्यादा पावर नहीं, क्योंकि सिंपल से टॉपिक्स थे और इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते थे और ये टॉपिक जो है उन्होंने हटाया आपके सिलेबस में से। वैद्युत का प्रभाव में से इन्होंने हटाया दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें से ना कोई क्वेश्चन बनते थे ना ही इसमें से कोई क्वेश्चंस आता था आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि टॉपिक्स हटाए मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है ये हटाने का, ठीक है, मतलब आपके उस पर उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्तित धारा के लाभ, एक छोटा सा टॉपिक है, दो चार लाइन के आंसर बनते हैं इसके। ये टॉपिक हटाने का मतलब है कि सागर में से एक बूंद आपने निकाली कोई फर्क नहीं पड़ता। घरेलू विद्युत परिपथ, ये कह सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस भी था टॉपिक कि आपके जो घरेलू सर्किट्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। आई होप ये टॉपिक्स इनको नहीं हटाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो अंक बाहर है इसमें आपका जो एग्जाम है वो 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मार्क्स का जो है आपका कुल मिला के प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क होगा 30 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है ये 15 मार्क्स का है एंड प्रोजेक्ट जो वर्क है जो स्कूल में होगा वो आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसलिए इस बार जो है थोड़ा सा चेंज इन्होंने ये किया है, मेन एग्जाम आपके 70 मार्क्स का कर दिया, प्रोजेक्ट एंड प्रयोगात्मक वर्क जो आपके 30 मार्क्स के कर दिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेटेज मिलने वाला है मार्क्स में, क्योंकि स्कूल से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ स्कूल वाले आपके फेवर्स में देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा सिलेबस है, संक्षिप्त मतलब ब्रॉड सिलेबस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए अब आते हैं मैथ में, मैथ के सेक्शन में देखते हैं कि मैथ में से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं और उस टॉपिक का क्या महत्व है मैथ में, क्या बाकी में मैथ का सिलेबस आपके लिए थोड़ा सा हल्का हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया है मेरे हिसाब से जो है आपका सिलेबस में कोई मतलब हल्का कुछ भी नहीं हुआ है। देखेंगे तो सेकेंड यूनिट में बीजगणित में से इन्होंने हटाया है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, एक अच्छा टॉपिक था चलो हटा दिया, अच्छी बात है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन और उसका उन पर सामान्य प्रश्न, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक आध नंबर्स में आते थे या बहुत बार रिपीट नहीं भी होते थे, तो ये हटाया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं भी हटाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वृत्त वाले चैप्टर में से इन्होंने हटाया है एक क्वेश्चन हटाया है इन्होंने और
किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। ये हमारा प्रमेय है दो, ये प्रमेय हटा दिया, इससे भी मेरे हिसाब से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे दोनों टॉपिक से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक होते ही नहीं होते हैं सिलेबस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने इसको हटा दिया है और कह रहे हैं हमने 30% का सिलेबस कम किया है। इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में एन वे पद की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, ये आपके क्लास 10th में एडवांस वर्जन में था, क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। चलो ये हटा दिया उन्होंने थोड़ा सा, यहाँ पे आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर थोड़ा सा आपका लाइट हुआ है, थोड़ा सा हल्का हुआ है। सामान्य जीवन में आधारित प्रश्न, कोई इसके ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं थे, दो चार प्रश्न थे, वही हमारे हटेंगे इसमें से। नेक्स्ट त्रिकोणमिति में से इन्होंने हटाया सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को स्थापित करना और इसका अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करेंगे ये बेस है, चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है तो आपको बहुत क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो है आपको यूज़ करना है, ठीक ना। चाहे बोर्ड कहे कि इसका यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम बिना यूज़ करे विदाउट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसका यूज़ तो होना है। बस ये कह सकते हैं कि इसका जो स्थापित करना है बहुत ही सिंपल, चार लाइन का इसका डेरिवेशन था जो हटा दिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिलेबस में। प्रायिकता में से उन्होंने इसकी सैद्धांतिक परिभाषा कभी भी नहीं पूछता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आपका परिभाषा प्रायिकता की कभी नहीं पूछा जाता है, तो ये टॉपिक हटाने का कोई हमारा मतलब नहीं है। एकल घटना पर आधारित है सामान्य प्रश्न, हाँ एक आध क्वेश्चन जो है आपके कम हो जाएंगे प्रायिकता में से बस। तो अगर हम कहें कि 30% सिलेबस मैथ में से, मुझे नहीं लगता कि इतना जो सिलेबस है वो 30% है, मेरे हिसाब से ये आपका पूरे सिलेबस का 5% है। तो मैं ये मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैथ का जो सिलेबस है वो आप कह सकते हैं कि 5% आपका सिलेबस कम हुआ है, और जो टॉपिक्स हटे हैं उससे आपके प्रिपरेशन में कोई, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी पर्डन कम नहीं हुआ है। मैथ का जितना पर्डन आपके पास अंदर था, जितना मैथ को लेके आपके अंदर डर है, उतना अभी भी डर बना रहेगा क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक्स उन्होंने नहीं हटाया पर्टिकुलर। इसमें भी आपका 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एंड 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क होगा। तो प्रैक्टिकल वर्क में जो आपका 30 नंबर्स का जो आपका प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क है उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी इसका जो सिलेबस है मैथ का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है। और जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चैप्टर्स के, बाकी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।